काम के निकला है। आज जैन धर्म की जोरदार जय जयकार है। इतनी बरसात के अंदर भी सब लोगों ने जिस हिसाब से लाभ लिया है उसका आनंद ही जोरदार है। और राजस्थान जैन सेवा संघ ने जो ये प्रोग्राम किया है इसकी तो वाह वाह है। आप सर विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो रथ यात्रा है इसकी लगभग 1.5 महीने से तैयारी चल रही थी। इस रथ यात्रा में जैन के अलावा अजैन को भी मैसेज देने के लिए एक एक हमने रचना बनाई है। इसमें जल ही जीवन है, पर्यावरण है, गो हत्या नहीं करना चाहिए, मसाली का उसमें बाद में मेरी बात सुनो, एजुकेशन सही में जीवन, जो आदमी मेरी बात सुन छोटे आज स्कूल में जाके वो श्रावक बनता है, श्रावक बन के फिर बाद में दीक्षा कैसा लगता है, वो जैन धर्म का इसमें बताया हुआ अन्य के 15 रचना है। और ये वरघोड़ा जो रथ यात्रा है कम से कम 2 किलोमीटर लंबी थी है, 2 किलोमीटर लंबी है। इसमें टोटल अनुकंपा जो इसमें ये अनुकंपा झगड़ू सेठ हमारे जो सेठ थे, जिस टाइम राष्ट्र के ऊपर दुष्काल पड़ा था उस टाइम पूरे राष्ट्र में अनाज उन्होंने भेजा था। तो झगड़ू सेठ का भी है, भामाशाह का भी है, जो भी है टोटल जैन कितने, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं जैन की संख्या कम है पर जैन राष्ट्र के लिए क्या काम कर सकता है वो इसमें दर्शाया हुआ है। अच्छा, ये कब से करते आ रहे हैं आप? और ये हमारा एक कर्तव्य है, वार्षिक कर्तव्य रहता है, जो प्रदूषण के बाद एक वरघोड़ा रथ यात्रा निकालना होता है। पर ये रथ यात्रा है ना आज भव्य है, और शायद ये मेघराजा ने आज हमारे ऊपर मेरी बात सुनो कृपा की है। ये हम लोग इसको अभी वर्षा कहते हैं तो वो चालू है, पर 2 किलोमीटर और ये जो ये आज मुंबई में नहीं पूरा शायद इंडिया में फर्स्ट नंबर की वरघोड़ा ये रथ यात्रा होगी। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि जैन और अजैन को मैसेज देने का कि जैन लोग क्या है। जैन का भगवान महावीर का जो 2600 तीर्थंकर महावीर 2600 साल पहले जो मैसेज दिया था कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करने का, जैनम जाति शास्त्रम, बहुत से अनेकों मैसेज है, वो मैसेज इसमें रथ यात्रा के बारे में। जैन में भी दो तरह के जैन होते हैं, तो इसमें जैन भगवान हमारा मेरी बात मैसेज आज है। आज इसके अंदर श्वेतंबर दिगंबर स्थानकवासी सब एकत्र होकर इस रथ यात्रा का पूरा लाभ ले रहे हैं। चारों संप्रदाय साथ में है इसमें टोटली। राजस्थान जैन संघ मलाट मामलेदारीवार द्वारा आयोजित भव्य वरघोड़ा है। ये हमारा पर्युषण पर्व जो जैनों का 7 दिन का पर्व होता है उसमें एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य का एक हम निपान कर रहे हैं। लेकिन ये भव्य रथ यात्रा है, इसमें भगवान महावीर के संदेश सत्य अहिंसा आपर के संयम, जो महावीर भगवान का संदेश है जो देश देश में हम फैला रहे हैं, इसकी जिन शासन की प्रभावना पूरा मलाड नगरी, इंद्र राजा हमारे साथ में, बरसात होने के बावजूद जो माहौल बना है अद्भुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, सभी जिन शासन इसका लाभ ले रहे हैं। और राजस्थान जैन संघ परिवार सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता है। बोलो जिन शासन की जय। ये राजस्थान जैन संघ का रथ यात्रा है, इसमें समग्र मलाड के पूरे जैन एकत्रित हुए और इसमें हमने राजस्थान जैन सकल संघ के जो सहयोग दिया, पर मुख्य लाभ जो मुख्य हमारे ये रथ यात्रा में जो दिया है वो लीलाबाई संपत राजी गांधी परिवार, उन्होंने बहुत हमारे साथ में बहुत सहयोग किया, हर चीज़ से सहयोग किया और तन मन धन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनको बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद वो परिवार को कि आज ये जो भव्य रथ यात्रा निकल रही है वो परिवार हमारे साथ में ज्वाइंट हुए, इसके लिए ये रथ यात्रा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं स्मित शाह, यहाँ पे आज मलाड में जो भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ उसकी झलकियों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे प्रभु महावीर स्वामी ने पहले से ही संदेश दिया था कि सभी जीवों की रक्षा करनी है, पृथ्वी का ही हो, यदि पानी के जीव हो, यदि वो पृथ्वी के जीव हो, यदि वो वनस्पति के जीव हो, सभी जीवों की रक्षा करनी है। आज विज्ञान ने भी ये प्रूव किया है कि जो शाकाहारी जीवन है वो पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेकारक है, बहुत ही फायदे वाली बात है। उसी प्रकार हम छोटे से छोटे जीव के प्रति भी रक्षा के भाव हम सभी जैनों रखते हैं। इसीलिए आपने जिस प्रकार रथ यात्रा में देखा होगा, एक पूरी ट्रक पे कॉन्सेप्ट था पानी की बचत, एक ट्रक पे कॉन्सेप्ट था पर्यावरण की रक्षा, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह नहीं काटने चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया है कि इन सभी की रक्षा करनी चाहिए। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि एक धर्म के रथ यात्रा में अपने देश के प्रति की भी एक कॉन्सेप्ट पे एक अपना ट्रक था, उस पर आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिनंदन वर्धमान वो भी वहाँ पे थे। वहाँ पे लिखा था कि देश की रक्षा यही धर्म की रक्षा है, यानी कि देश की रक्षा को हमारे धर्म की रक्षा से ऊपर स्थान दिया है। यदि देश को ज़रूरत पड़े तो जैन शासन जो है, जैन
जितने भी जैन भाइयों हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहे। आप महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे भी भामाशाह उनके पीठ के पीछे खड़े थे। जब भी भारत में दुकाल आया तो वापस पूरे देश को खड़ा करने के लिए झगड़ू शाह ने अकेले ने लाखों करोड़ों का दान देकर वापस पूरे देश को खड़ा किया था। ऐसे जब भी संकट की स्थिति हो या देश की सेवा करने का अवसर हो, तभी जैन शासन और जैन भाइयों कभी भी पीछे नहीं रहे। ऐसे ही आज आपने जिस प्रकार की भव्य रथ यात्रा देखी, इसी भावना के साथ कि कोई भी जीव के प्रति हानि ना हो, अपने देश की सेवा के लिए हम पीछे न रहे, और यही समाज, यही मैसेज पूरे समाज में फैलाने के लिए ऐसी भावना से ये रथ यात्रा निकली थी। ये जो रथ यात्रा है ये परम पूज्य आचार्य देवकीर्ति महाराज साहिब के प्रेरणा से आज बहुत ही भव्य तरीके से परिपूर्ण हुई। राजस्थान जैन संघ आयोजक था और बड़े ही उत्साह से इन्होंने ये आयोजन आज पूर्ण किया। थैंक यू। रथ यात्रा हमारे जैन समाज का एक वार्षिक कर्तव्य माना जाता है, ऐसे हर साल निकलती है। मुझे भी दीक्षा लेकर 31 साल हुए, मगर आज दिन तक ऐसी भव्य कभी निकालने का मन में ध्यान भी नहीं था, मन में कोई ख्वाब भी नहीं था। मगर इस बार मामलतदारवाड़ी में आए और संख्या मेरे विनोद भाई की बहुत बड़ी भावना थी। समस्त ट्रस्ट मंडल ने बहुत अंतर आनंद के साथ और सकरसी संघ ने ये भावना रखी। ऐसे तो मुझे साधर्मिक भक्ति का रस ज़्यादा है, मगर जब विनोद भाई ने कहा कि साहेब भगवान महावीर का अमर संदेश हमें जन जन तक बहुत अच्छी रीत से पहुँचाना है, आज पूरी समाज पूरा दुनिया पीड़ित है पर्यावरण के दूषण से, पानी के बगाड़ से, वनस्पतियों के काटने से। आज ब्राज़ील वगैरह हर जगह पे अलग 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 बातों को लेकर बड़ी भयंकर विपदाएं चल रही है, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने 2600 साल पहले ही ये सब प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन कह के गए थे। और वो संदेशा हमें पूरे विश्व में फैलाना है, तब जाके मैंने भी आनंद के साथ इजाज़त दिया। और आज मेरे को भी एक आनंद है कि ये भगवान महावीर का जो हर खाली जैनों को नहीं, कोई भी आत्मा है, प्राणी है, तिरियंश है, उनको भी आनंद देने वाला जो भगवान महावीर का अमर संदेश है कि पृथ्वी की रक्षा कीजिए, पानी की रक्षा कीजिए, वनस्पति की रक्षा कीजिए, कोई भी जीव को आप पीड़ा मत दीजिए, क्योंकि एक भगवान का अमर संदेश है। सुखी कौन होता है और दुखी कौन होता है, बहुतों को प्रश्न है कि जैन समाज इतना क्यों सुखी। भगवान महावीर का संदेश का पालन करके जैन समाज सुखी है कि जो दूसरे को सुख देता है उनको सुख मिलता है, जो दूसरे को दुख देता है उनको दुख मिलता है। और ये संदेश हमारे जैनों ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने का प्रयत्न करता है। यदि दूसरे भी कोई ये पालन करे तो हर पूरा विश्व सुखी हो जाए। और हम तो इच्छा रखते ही है कि भगवान की हर बात का सभी व्यक्ति पुण्यात्मा जीवन में पालन करे और हर प्रकार के सुख मिलाए, क्योंकि भगवान महावीर का संदेश ये खाली धर्म के लिए अध्यात्म को सुख देने वाला नहीं है, मगर उनसे शारीरिक सुख भी मिलता है, मानसिक सुख भी मिलता है, आर्थिक सुख भी मिलता है, कौटुंबिक सुख भी मिलता है, और अध्यात्म का सुख का तो पार नहीं रहता है। हम भावना रखते हैं कि ये भव्य रथ यात्रा के माध्यम से हजारों पुण्यात्मा को जैन धर्म के मतावलंबी तो ही, मगर जैन धर्म के मतावलंबी जो भी नहीं है उनके भी हृदय में ये भगवान महावीर का अमर संदेश हृदय में बैठे कि हमें पानी का कम से कम यूज़ करें, वनस्पति को हम बिन जरूरी कभी पीड़ा न पहुँचाए, तोड़े भी नहीं, उनका विनाश न करें, हम कोई भी जीव को त्रास पीड़ा न दे और सबको सुख देने के लिए हम इच्छा रखें, भावना रखें, और जगत मात्र बहुत बड़ा सुख को प्राप्त करे, छोटा से छोटा हर व्यक्ति बड़ा से बड़ा सुख को प्राप्त कर सुखी बने, और अंत में सर्व सुख के स्थान इसे सिद्ध शिला पे पहुँचे, यही हमारी ये रथ यात्रा में इतनी भव्यता से निकालने के पीछे भावना है। आज जो पालकी निकाला है तो उसके पीछे आपका राष्ट्र के हित के लिए क्या संदेश है? कभी कभी राष्ट्र में ऐसी बातें कभी कभी किसी के मुंह से सुनने मिलती है कि जैन समाज खाली पैसा कमाने में मानता है, मगर हमें राष्ट्र को ये संदेश देना है कि जैनों जैसे कमाने में मानते हैं, क्योंकि वो दूसरे को सुख देते हैं तो उनको आसानी से सब सुख मिलते हैं, उसमें संपत्ति का भी सुख मिलता है, मगर जब जब भी राष्ट्र में कोई भी ज़रूरत आई तो जैनों भी राष्ट्र सेवा में कहीं भी पीछे नहीं रहे, चाहे शरीर के योगदान से है, चाहे धन के योगदान से है, चाहे तन के योगदान से है, कहीं पर भी कोई भी पीड़ा आपत्ति आती है, चाहे पूर हो, धरतीकंप हो, कोई भी मानव सर्जित आपत्ति हो, तब हर समय पे जैन समाज
वो राष्ट्र सेवा में खड़े पगे रहते और ऐसे लश्कर वगैरह से लगाकर हमारे जब राणा प्रताप को बहुत बड़ी दिक्कत थी तब पूरा का पूरा संपूर्ण सर्वस्व धन दान देने वाले भामाशाह वो जैन थे। झगड़ू शाह जब पूरे देश में दुकान आया तब करोड़ों टन अनाज देने वाले झगड़ू शाह जैन थे। आज अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध में जैसी परिस्थिति थी तब विमान को उड़ा के लेके जाने वाले अभिनंदन वर्धमान वो भी जैन थे। ये तो तीन चार नाम दिए, ऐसे सैकड़ों जैन पुण्यात्माएं जो राष्ट्र सेवा के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते और हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव गच्छाधिपति जयगोर समाज, उनके गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज और जिसके माध्यम से मुझे संस्कार मिले वो गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज, वो हर हदम हमें कहते थे कि राष्ट्र यदि सक्षम है, राष्ट्र यदि स्वतंत्र है, राष्ट्र यदि जो सुशील भरा है तो ही धर्म आनंद से हम कर पाते। और आज हमारे रत्न सुनमाज भी वो बात को बहुत अच्छी रीत से पूरे विश्व में फैलाने का प्रयत्न करते और हमारा ये हमें सबको कहना है कि राष्ट्र सेवा में भी जैन समाज हरदम आगे रहा है और आगे भी तन मन और धन से हर प्रकार से राष्ट्र सेवा में जैन समाज हर व्यक्ति के राष्ट्र के हर व्यक्ति की हर मुसीबतों में सेवा करने के लिए जैन समाज तत्पर रहेगा ही। और यही हमारा राष्ट्र के लिए संदेश है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरों से प्रेम भाव से जुड़े, मैत्री भाव से जुड़े, जो भगवान महावीर का अमर संदेश है कि सभी जीवों एक दूसरों के लिए अच्छा सोचे, एक दूसरों के लिए अच्छी रीत से बर्ताव करे और प्रेम और मैत्री का परिणाम पूरे विश्व में फैले, यही हमारा पूरे राष्ट्र के लिए संदेश है।